आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 4 विषय पर्यावरण अध्ययन के पाठ 4 खेल प्रतियोगिता के बारे में पढ़ेंगे। इस पाठ के माध्यम से हम विभिन्न प्रकार के खेलों के बारे में जानेंगे, साथ ही हम उन खेलों के नियम एवं उनसे होने वाले लाभ के बारे में जानेंगे। अब खेल खेलने से पूर्व क्या क्या तैयारियां की जाती है उसके बारे में हम इस पाठ के माध्यम से पढ़ेंगे। अपने विद्यालय स्तर पर भी कई प्रकार की खेल प्रतियोगिता होती है, उस खेल प्रतियोगिता से पूर्व क्या क्या तैयारियां होती है उसके बारे में हम जानेंगे। प्रधानाध्यापक जी अध्यापकों के लिए एक बैठक बुलाते हैं, उस बैठक में सभी अध्यापकों को अलग अलग काम सौंप दिया जाता है और अध्यापक जी भैया बहनों की सहायता से उस काम को पूरा करते हैं। अब खेल को दो भागों में बांटा गया है, एक होता है आउटडोर जो बाहर मैदान में खेला जाता है, दूसरा होता है इंडोर जो घर के अंदर खेला जाता है। आज हम कुछ आउटडोर खेलों के बारे में जानेंगे। तो पहला है खो खो। अब नीचे चित्र में आप देख रही है कुछ बालिकाएं खो खो खेल रही है और ये नीचे चित्र आप देख रहे हैं खो खो के खेल का मैदान। अब खो खो खेल के मैदान की लंबाई होती है वो होती है 29 मीटर और चौड़ाई होती है वो होती है 16 मीटर और इसमें कुल 12 खिलाड़ी होते हैं जिसमें 9 खिलाड़ी खेलते हैं और 3 खिलाड़ी बाहर अतिरिक्त रूप में बैठते हैं। खेल मैदान तैयार करने के लिए कुछ आवश्यक सामग्री होती है जिसमें चूना है, प्राथमिक चिकित्सा पेटी है, टेबल है, कुर्सी है, परिणाम तालिका है, खिलाड़ियों के फॉर्म फाइल है, दर्शकों के बैठने के लिए स्टूल व्यवस्था है, विसल है, सीटी है आदि इन सामग्रियों की आवश्यकता होती है और पीने के पानी की व्यवस्था भी की जाती है। और खेल को दो दलों के रूप में खेला जाता है और नीचे कुछ प्राथमिक उपचार पेटिका का चित्र दिया गया है जिस इस पेटिका प्राथमिक उपचार पेटिका का उपयोग जब खेल खेलते समय किसी भी खिलाड़ी को चोट लग जाए तब इस प्राथमिक उपचार पेटिका की सहायता से उसका उपचार किया जाता है। अब नीचे चित्र दिया गया है कबड्डी खेलते बालक, आप देख रहे हैं इस चित्र में बच्चे कबड्डी खेल रहे हैं और नीचे कबड्डी के मैदान का चित्र भी दिया गया है और इस मैदान की लंबाई होती है वो होती है 12 मीटर और चौड़ाई 10 मीटर। इस मैदान को दो भागों में बांटा गया है और प्रत्येक खेल को खेलने के लिए कुछ नियमों की आवश्यकता होती है, बिना नियम के कोई भी खेल नहीं खेला जाता। इसमें से कबड्डी के कुछ नियम जिसमें से पहला नियम है जिसकी बारी है वह खिलाड़ी बिना सांस तोड़े कबड्डी कबड्डी बोलेगा, उसे टच लाइन को पार करनी है अन्यथा वह आउट माना जाएगा। अगली लाइन बोनस लाइन है, उसको एक पैर से पार कर दूसरे पैर हवा में थोड़ा भी उठाने पर एक बोनस अंक अर्थात अतिरिक्त अंक मिलेगा। इस दौरान जितने खिलाड़ियों को छूकर मध्य रेखा को छू लेता है उतने अंक उस टीम को मिलेंगे। यदि वह पकड़ा जाता है तथा मध्य रेखा पार नहीं कर पाता है तो वह आउट माना जाता है और विपक्षी टीम को अंक मिल जाता है। कबड्डी में आउट खिलाड़ी उसी क्रम में वापस अवले में आते हैं जिस क्रम में आउट हुए थे और 20 मिनट बाद 10 मिनट का मध्यांतर होता है। मध्यांतर के बाद 20 मिनट का खेल और होगा, जिस टीम के अंक अधिक होते हैं वह टीम विजेता बन जाती है। अब रेडर द्वारा रेड दी जाती है उसका भी समय निश्चित होता है, वो समय होता है 29 सेकंड। कितना? 29 सेकंड के अंदर उस रेडर द्वारा रेड को पूरा किया जाता है और
जो खिलाड़ी को पकड़ता है उसको अपन कहते हैं कैचर, जो रेड देने जाता है उसको कहते हैं रेडर, और निर्णय देने वाले को निर्णायक या रेफरी कहते हैं। अब नीचे कुछ खेल होते हैं, उन खेलों को किस भावना से खेलना चाहिए उसके बारे में भी हम जानेंगे। हमें खेल को खेल की भावना से खेलना चाहिए। यदि किसी भी खिलाड़ी की चोट लग जाए तब उसकी सहायता के लिए अपने को एक सहयोग की भावना, खेल भावना की सहायता से उसकी सहायता करनी चाहिए। अब नीचे खेल को मनोरंजन के साथ खेलना। अब खेल जब खेलते हैं तो उसको एक आनंद के साथ, मनोरंजन के साथ खेलना चाहिए। उस खेल में खेल भी हो और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हो, अनेक प्रकार के कोई अभिनय भी हो, जिससे अपना शरीर रष्ट पुष्ट और मजबूत रहता है, और अपने को खेलने में और खेल पढ़ाई में भी अच्छा मानसिक विकास होता है। पढ़ाई के साथ साथ खेल का भी होना अति आवश्यक है। और खेल के साथ क्या क्या सीखते हैं अपन? खेल से हम कई प्रकार के गुणों का विकास होता है, जिसमें से सहयोग की भावना का विकास और प्रेम स्नेह, इन प्रकार के गुणों का अपने से क्या होता है? विकास। चलो अपन नीचे कुछ कक्षा कार्य देखते हैं। खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो कितने होते हैं? 9। रेफरी किसे कहते हैं? खेल खिलाने वाले निर्णायक को क्या कहते हैं? रेफरी। कबड्डी में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं, खेलते हैं? तो 7। खेलों से किन किन गुणों का विकास होता है? तो पहला होता है सहयोग, नेतृत्व एवं भाईचारा। खेल हमें हमें खेल को कैसे खेलना चाहिए? तो उसके हमें खेल को नियम के अनुसार एवं खेल की भावना बनाए रखते हुए खेलना चाहिए। और इस पाठ के अंत में कुछ पाठ आधारित कुछ गृह कार्य के प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न है, विद्यालय स्तर की खेलकूद प्रतियोगिता में किन किन खेलों का आयोजन होता है? दूसरा है, कबड्डी खेल के नियम लिखिए, कोई 5। तीसरा है, प्राथमिक चिकित्सा पेटी में क्या क्या चीज़ें होती है, उन चीज़ों के नाम लिखने, और आपके साथी को जब कष्ट हो तब आप क्या करते हैं? इन सभी प्रश्नों के उत्तर आप सभी भैया बहन अपनी उत्तर पुस्तिका के अंदर लिखेंगे। जय भारत माता।